हाय एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं फ्रॉम योर 8th स्टैंडर्ड सिलेबस, दैट इज थर्ड नंबर चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। देखो स्टूडेंट, ये जो भी आपका आज का जो टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, उसमें सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और बाद में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, प्लास्टिक्स के बारे में। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सिंथेटिक फाइबर्स की, कहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ प्लास्टिक के क्या यूजेस होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप क्या करने वाले हो, स्टडी करने वाले हो इस स्पेसिफिक चैप्टर में, ठीक है। सो सिंथेटिक फाइबर स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होता है, ठीक है। अब फाइबर ये वर्ड आया कैसे? देखो स्टूडेंट, आप शॉप में जाते होंगे या फिर हम घर पे भी होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, कपड़े पहनते, ठीक है। वो जितने भी कपड़े होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के जो कपड़े होते हैं, वो सारे डिफरेंट वेराइटी के जो कपड़े हैं वो बने हुए होते हैं किससे? फाइबर से, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रिक्स कहते हैं। और ये जो भी फाइब्रिक बनता है वो फाइब्रिक किससे मिलता है हमें, विच इज़ ऑब्टेन थ्रू द फाइबर। सो फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर फाइबर ही नहीं रहा तो हम कपड़े पहन सकेंगे क्या डिफरेंट वेराइटी के? नहीं। देखो, अगर ठंडी होती होंगी तो आप कुछ अलग कपड़े पहनते हो, गर्मी में हम कॉटन के कपड़े सबसे ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। सो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिपेंड होती है किसके ऊपर, फैब्रिक्स के ऊपर। और वो जो भी हमारा फैब्रिक्स होता है वो बना हुआ होता है किससे? फाइबर से। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि फाइबर किसे कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको फाइबर ही नहीं अगर समझ में आया तो हम फैब्रिक समझ के ले सकते हैं क्या? नहीं। सो आपको पता होना चाहिए फाइबर किसे कहा जाता है। तो फाइबर हम किसे कहते हैं? देखो, आप सभी ने फाइबर देखा होगा, आपने सिल्क के थ्रेड देखे होंगे, ठीक है। वो सिल्क के जो थ्रेड्स होते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जनरली गर्ल्स इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करती है इयररिंग्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो वो जो भी हमारे सिल्क के जो थ्रेड होते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है? फाइबर ही कहा जाता है, ठीक है। सो फाइबर हम किसे कहते हैं? फाइबर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल, ठीक है। फाइबर हमारा क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रांग होता है, मतलब इजीली वो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं क्या? नहीं। तो वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, उसको आप अगर ब्रेक भी करने जाओगे तो वो इजीली ब्रेक नहीं होते, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितने भी कपड़े होते हैं वो हमें अच्छे से फिटिंग में आने चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी थ्रेड होता है वो थ्रेड क्या होना चाहिए? थ्रेड क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, साथ ही साथ क्या होता है? स्ट्रांग होता है। सो ऐसा जो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिससे क्या मिलता है हमें? फाइब्रिक मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? फाइबर कहा जाता है, ठीक है। जैसे रेयन ले लो, नायलॉन ले लो, कॉटन ले लो, इनके जो थ्रेड्स होते हैं ये सारे हमारे एग्जांपल है किसके? फाइबर से। सो फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द फाइब्रिक्स, क्योंकि अगर फाइबर नहीं रहा तो हमें फाइब्रिक्स भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो फाइबर क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक द फाइब्रिक्स। अब ये जो भी हमारा फाइबर होता है, इस फाइबर के दो टाइप्स होते हैं। देखो, इस चैप्टर में तो आपको डिटेल में स्टडी करना है किसके बारे में? सिंथेटिक फाइबर के बारे में। बट हमें पता होना चाहिए कि फाइबर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देखो स्टूडेंट, फाइबर दो तरीके के होते हैं। एक फाइबर होता है नेचुरल फाइबर और जो भी सेकेंड फाइबर होता है उसे कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर, जो आप इस चैप्टर में डिटेल में क्या करने वाले हो? स्टडी करने वाले हो, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फर्स्ट वन इज द नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज द सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर किसे कहा जाता है? देखो, वर्ड ही उसको एक्सप्लेन कर रहा है, नेचुरली जो हमें क्या मिलते होंगे? नेचुरली मिलते होंगे, ठीक है। सो नेचुरल फाइबर किसे कहा जाता है? द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो फाइबर आपको प्लांट और एनिमल की मदद से मिलते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? नेचुरल फाइबर कहा जाता है, विच आर इजीली अवेलेबल इन द नेचर,
ठीक है, उसको आपको बनाना नहीं पड़ता, वो आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे टाइप के जो फाइबर होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, नेचुरल फाइबर कहा जाता है। सो जो भी हमारा नेचुरल फाइबर है वो हमें किसकी मदद से मिलता है, बाय यूजिंग द प्लांट एंड एनिमल। अगर हमें प्लांट का एग्जाम्पल देखना होगा सो प्लांट में क्या रहेगा, प्लांट का एग्जाम्पल क्या रहेगा, कॉटन। हमें पता है कॉटन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू मेक द फैब्रिक्स। कॉटन के जो थ्रेड्स होते हैं, कॉटन हमें कैसे मिलता है, कॉटन की एक पर्टिकुलर खेती की जाती है जहाँ से हमें वो मिलता है, ठीक है। फिर उसको मशीनरी से उसका एक थ्रेड बनाया जाता है और फिर उस थ्रेड से हमें क्या मिलता है, फैब्रिक्स मिलता है, ठीक है। सो कॉटन इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल फाइबर। सेकेंड अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो जूट, जूट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल फाइबर। अब अगर हमें एनिमल फाइबर अगर देखना है तो एनिमल फाइबर हम किसे कहेंगे, दैट इज द वूल, एंड सेकेंड वन इज द सिल्क। वूल आपको शिप से मिल जाता है इजीली, ठीक है। और जो भी हमें सिल्क है तो देखो सिल्क वॉर्म जो एक एनिमल है, ठीक है, उस सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। तो ये जो भी हमारे दो फाइबर्स है विच आर डायरेक्टली ऑब्टेंड फ्रॉम द नेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नेचुरल फाइबर, जहाँ पे आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। ऐसे टाइप को फाइबर को क्या कहा जाता है, नेचुरल फाइबर कहा जाता है। तो अब हम सिंथेटिक फाइबर किसे कहेंगे, ये तो आपको नेचुरली मिलते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर हम किसे कहेंगे, द फाइबर ऑब्टेन, नीचे लिखती हूँ मैं डेफिनेशन, द फाइबर ऑब्टेन थ्रू द different chemical reaction, chemical reaction in the industry is called synthetic fiber, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर हम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है, ठीक है। सो सिंथेटिक फाइबर इज नथिंग बट द फाइबर ऑब्टेन थ्रू द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन इन द इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज द सिंथेटिक फाइबर। अब देखो ये तो आपके नेचुरल फाइबर हो गए, इन्हीं नेचुरल फाइबर को क्या किया जाता है, इन नेचुरल फाइबर्स के ऊपर क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स इसमें क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, कहाँ पे, इन द इंडस्ट्री, सो दैट वी गेट द सिंथेटिक फाइबर। जो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर है, इस सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है, मैन मेड फाइबर। मैन मेड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली मिल रहे हैं क्या प्लांट और एनिमल से, नहीं, प्लांट और एनिमल का यूज़ करके ह्यूमन क्या कर रहा है, इंडस्ट्री में उसके ऊपर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द सिंथेटिक फाइबर और इट इज़ कॉल्ड एज द मैन मेड फाइबर, ठीक है। इसके अगर हमें एग्जाम्पल देखने तो मैन मेड फाइबर हम किसे कहेंगे, जैसे कि रेयन, रेयन इज ऑल्सो द मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, बट ये क्या है, हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलता है, वुड पल्प से मिलता है, और वुड पर हमारा क्या है, प्लांट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द सिंथेटिक फाइबर। सेकेंड जो भी फाइबर है वो हमारा क्या है, नायलॉन। ये तो वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि नायलॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बैडमिंटन के जो थ्रेड्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं किससे, नायलॉन से, ठीक है। सो ये जो भी हमारा नायलॉन है, रेयन है, पॉलीस्टर से, क्लियर है, टेरेलिन है, टेरेलिन हमें किससे मिलता है, बाय यूजिंग द कॉटन, कुछ पोर्शन कॉटन का, कुछ अमाउंट ऑफ कॉटन उसमें क्या होता है, ऐड होता है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। सो फाइबर के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, फर्स्ट वन इज द नेचुरल फाइबर जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, एंड सेकेंड वन इज द सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर को ही क्या कहा जाता है, ह्यूमन मेड फाइबर, और इट इज कॉल्ड एज द मैन मेड फाइबर, जहाँ पे क्या किया जाता है, उन फाइबर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, कहाँ पे, इंडस्ट्री में। ऐसे टाइप के फाइबर को क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक चेन है, ठीक है, या फिर हम एक नेकलेस कंसिडर करते हैं, उस नेकलेस में क्या है, छोटे छोटे बीड्स है। अब ये जो स्मॉल बीड्स है ये हमारा क्या हो गया, सिंगल यूनिट हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल यूनिट, ठीक है।
अब अगर आपको नेकलेस फॉर्म करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी सिंगल यूनिट्स ऑफ बीड्स है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, सो दैट हमें क्या मिल सके, वहाँ पे लार्ज यूनिट मिल सके। तो हम सारे सिंगल बीड्स को क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, सो दैट वी गेट द लार्ज यूनिट। तो ये जो भी सिंगल यूनिट होता है, इसी सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है, मोनोमर्स, ठीक है। और इन सारे मोनोमर्स को, मतलब जितने भी सिंगल यूनिट्स है, इन सारे सिंगल यूनिट को अगर हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते टू गेट द लार्ज चेन, सो उसी लार्ज चेन को क्या कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सारे बने हुए होते हैं किससे, मोनोमर्स से। मतलब वहाँ पे एक सिंगल यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं मोनोमर्स। अगर हमें एग्जांपल लेना है जैसे कि नायलॉन, सो नायलॉन बना होता है किससे, अमाइड से। तो अमाइड हमारा क्या हो गया, मोनोमर हो गया। और बहुत सारे अमाइड को अगर हम ज्वाइन कर देते तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीअमाइड मिलेगा, मतलब कि वो हमारा क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। अगर हमें एग्जांपल लेना है जैसे कि कॉटन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सो कॉटन हमारा क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, वो क्या है, हमारी लार्ज यूनिट की एक पर्टिकुलर चेन है। बट उसका जो भी स्मॉलर यूनिट है, वो स्मॉलर यूनिट हमारा क्या रहेगा, सेलुलोज रहेगा। सो जो भी हमारा कॉटन है, वो कॉटन बना हुआ है किससे, सेलुलोज से। बहुत सारे सेलुलोज को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पे कॉटन मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी सिंगल यूनिट होता है, इसी सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है, मोनोमर्स किया जाता है। और सारे सिंगल यूनिट को अगर आप एक दूसरे के साथ अगर ज्वाइन कर देते हो तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है, एक लार्ज चेन मिलती है। उसी लार्ज यूनिट को क्या कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है। सो पॉलीमर को अगर हमें डिफाइन करना है, सो पॉलीमर हम किसे कहेंगे, अ पॉलीमर इज अ वेरी लार्ज यूनिट। मैंने पहले ही बताया आपको, वहाँ पे मोनोमर को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, लार्ज यूनिट ऑफ चेन मिलती है, ठीक है। सो उसी को क्या कहा जाता है, पॉलीमर। वो हमें मिलती कैसी है, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। सो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जॉइन एंड टू एंड बाय द केमिकल बॉन्ड। बाय यूजिंग द केमिकल बॉन्ड, जितने भी हमारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एक वेरी लार्ज यूनिट फॉर्म होता है, जिसी को क्या कहा जाता है, पॉलीमर्स कहा जाता है। देखो पॉली का मीनिंग क्या होता है, मेनी, ठीक है। पॉली मतलब मेनी और मर मतलब लार्ज, मतलब क्या रहेगा, बहुत ज्यादा। सो मेनी और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मर मतलब, मर इज नथिंग बट द रिपीटेटिंग यूनिट, सॉरी मर मतलब क्या होता है, रिपीटेटिंग यूनिट, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको उसको क्या करना है, रिपीट करना है। एक ही जो हमारा मोनोमर्स है उसी मोनोमर्स को हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो उसी से हमें ये वर्ड मिलता है विच इज नथिंग बट द पॉलीमर। सो पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, एम ए एन वाई, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुआ था। सो पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी होता है, और मर इज नथिंग बट द रिपीटेटिंग यूनिट। सो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम ज्वाइन कर देते एक दूसरे के साथ, सो इसका जो भी कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, पॉलीमर्स कहा जाता है, ठीक है। सो पॉलीमर इज अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर्म बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल जॉइन एंड टू एंड बाय द केमिकल बॉन्ड। सो दिस इज नथिंग बट द पॉलीमर। और इसी पॉलीमर को क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन हम किसे कहेंगे, जॉइनिंग टूगेदर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो भी प्रोसेस होती है किसकी, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जो हम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो जो भी प्रोसेस होती है सो दैट वी गेट द लार्ज मॉलिक्यूल्स, उसी को क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर हमें एग्जाम्पल लेना है कॉटन का, सो वी नो दैट कॉटन बना हुआ होता है किससे, कॉटन हमारा क्या है, पॉलीमर है, जो बना हुआ होता है किससे, सेलुलोज से। तो सेलुलोज हमारा क्या हो गया, मोनोमर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे इसको हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ग्लूकोज, सो दैट, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, हम इनको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉलीमराइजेशन।
ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सेलुलोज, जिसे हम क्या कहते हैं फिर, कॉटन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये हमारे क्या है, स्मॉल यूनिट है मोनोमर्स के, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, जॉइन कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन हो गया, तो हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, सेलुलोज। तो सेलुलोज हमारा क्या है, पॉलीमर है, जो भी हमारा कॉटन है वो कॉटन बना हुआ होता है, विच इज़ मेड अप थ्रू द सेलुलोज, ठीक है। सो दीज आर द नेचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जैसे अगर हमें दूसरा एग्जाम्पल लेना है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया नायलॉन, ठीक है। सो नायलॉन हमें किससे मिलता है, नायलॉन इज नथिंग बट द पॉलीअमाइड, जिसमें मोनोमर्स अगर हमें बोलना है, तो मोनोमर्स हमारा क्या रहेगा, अमाइड रहेगा। सो बहुत सारे अमाइड को, लार्ज नंबर ऑफ अमाइड मॉलिक्यूल्स को अगर हम ज्वाइन कर देते, ठीक है। सो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होंगी, पॉलीमराइजेशन, क्योंकि जो भी ज्वाइनिंग टुगेदर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये जो भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होती है, इसे क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉलीमराइजेशन। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉलीअमाइड। सो इसी हम क्या कहते हैं, नायलॉन कहते हैं, ठीक है। सो जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दिस सिंथेटिक फाइबर मेड अप थ्रू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, उनको एक दूसरे के साथ अगर आप ज्वाइन कर देते हो, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, लार्ज यूनिट मिलता है। उसी लार्ज यूनिट को क्या कहा जाता है, पॉलीमर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कॉटन इज ऑल्सो द पॉलीमर विच इज मेड अप बाय द सेलुलोज, ठीक है। सो सेलुलोज हमारा क्या हो गया, मोनोमर्स। एंड नायलॉन, तो नायलॉन में पॉलीअमाइड हमारा क्या हो गया, हो जाएगा, पॉलीमर्स हो जाएगा, वेरस जो हमें मिलता किससे है, अमाइड नाम के मोनोमर से मिलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर एंड नेचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो भी उसके बाद का रिमेनिंग टॉपिक है, जैसे सिंथेटिक फाइबर के जो टाइप्स होते हैं, रेयॉन, नायलॉन, टेरेलिन, वो हम स्टडी करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।